फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं लोकल होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव सर्वर पे कैसे ले जाएंगे? तो आइए जानते हैं इसे सिस्टम पे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। आइए जानते हैं लोकल वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव सर्वर पे कैसे लेकर जाएंगे वर्डप्रेस वेबसाइट को। तो हमें सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन करनी है लोकल और लाइव। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्लगइन में जाना है और इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू में आइए, यहाँ पे सर्च करेंगे प्लगइन ऑल इन वन। गाइस, ये वाली प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है और इसे एक्टिवेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिवेट किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये प्लगइन है, हमें सबसे पहले डाटा को एक्सपोर्ट करना है। आप प्लगइन दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तो आपने यहां से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा आप wordpress.org पे जाके वहां पे सर्च करेंगे ऑल इन वन, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली ऐड न्यू करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी मैं अभी आपको लाइव वाले पे लाइव वर्डप्रेस वेबसाइट पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए फाइल करेंगे और यहाँ से ये प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो हम इसे स्टॉप एक्सपोर्ट करते हैं और हम चलते हैं लाइव वर्डप्रेस वेबसाइट पे, जहां पे हमें डाटा लोकल से लाइव पे लेकर आनी है। तो अब हम यहाँ पे वो प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे, तो हमें ऐड न्यू पे जाना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड प्लगइन, यहां से चूज फाइल, हमने ऑलरेडी प्लगइन डाउनलोड कर रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये देखिए, हमने तीन प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड कर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से किसी एक को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ, और एक्टिवेट कर लेते हैं। तो गाइस, जब एक्टिवेट हो चुका है अब हमें क्या करना है, यहां से ऑल इन वन पे जाकर के इंपोर्ट करनी है। गाइस, चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे 512 MB है हमारे पास, हम इसे चाहे तो इसका लिमिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास डाटा कितना है, कितने साइज का है। अगर इसके अंदर में साइज होगा तो इसका अपलोड साइज लिमिट जो है वैसे ही रखेंगे।
ये वाली करते हैं। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंपोर्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरराइट कर रहा है डाटाबेस के लिए, जो हमारे पास डाटा है अब उस पर ओवरराइट कर देते हैं जो हमने अपलोड किया था। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि डाटा कम्प्लीटली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे विजिट साइट करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा जो लोकल सर्वर पे वेबसाइट था वर्डप्रेस, वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो चुका है डाटा। आप चेक कर लें, मैं आपके सामने दोनों ही वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये आपने लाइव देख लिया, अब लोकल वाला देख लेते हैं। ये फ्रेंड देखिए लोकल होस्ट। कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपको लाइव सर्वर पे दिखेगा। यहाँ से चेक करें सेम, नो एनी डिफरेंस। और भी पेज चेक कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस। सेम है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये भी सेम है, ब्लॉक चेक कर लेते हैं। सर्विसेज देख लेते हैं।
कोई भी अंतर नहीं। अब हम इसका आखिरी टूर्स एंड ट्रेवल्स को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप कि वर्डप्रेस वेबसाइट लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पे कैसे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को पसंद करें। अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें।